ओके, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का, मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैं उसको एक बार बता दूँ। जो कैलकुलेशंस इलिप्स के साथ होंगी, क्योंकि हमने अभी तक क्या माना ग्रेविटेशन में, किस कि जो प्लैनेट है या सेटेलाइट है वो हमेशा किस में मूव करती है, सर्कल में। तो सेटेलाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास इलिप्स में मूव करते हैं। तो इलिप्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बनाओ एलिप्स का। तो प्लैनेट इस तरीके से घूमेगा और एलिप्स के अंदर दो एक्सेस होते हैं, एक मेजर एक्सेस होता है और एक माइनर। बड़े वाले को मेजर बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर। ये इसका सेंटर है और जो सन होता है वो इसके सेंटर पे नहीं होता, फोकस में होता है। तो जो फोकस होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, चाहे तो यहां मान लो सन को, चाहे यहां मान लो, दोनों ठीक है। ठीक, सपोज यहां से पी प्लैनेट इस इंस्टेंट पर यहां पर है, सच दैट इसकी वेलोसिटी यहां पर टेंजेंशियल है एंड सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। और यहां पर ये ए पॉइंट है, यहां पर प्लैनेट की वेलोसिटी वी ए है और ये पॉइंट जो है ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर जो प्लैनेट है उसकी वेलोसिटी वी ऑफ पी है। और लेट अस सपोज, हाँ मैं, ये प्लैनेट है, प्लैनेट की पोजीशन है, चलो ऐसे कर लेते हैं, प्लैनेट की पोजीशन है वो पी और ए। ये इसलिए पी और ए क्योंकि इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है अपोजी, इसको अपोजी बोलते हैं और इसको पेरिजी बोलते हैं, ठीक, पेरिजी। सबसे नजदीक का पॉइंट प्लैनेट का पेरिजी होता है, सबसे दूर का पॉइंट प्लैनेट का सन से अपोजी होता है, ठीक। ठीक, तो इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ए पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है सन से, हम सन से ले रहे हैं, तो इसका रेडियस कितना है, आर ऑफ ए है, और सन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर ऑफ पी है, ठीक। ये जो डिस्टेंसेस हैं आर ऑफ ए और आर ऑफ पी है, सन का और इसके सेंटर का डिस्टेंस जो होता है वो होगा ए इंटू ई, सच दैट ये डिस्टेंस जो है वो है ए। सेंटर और इसका जो डिस्टेंस माना जाता है वो ए माना जाता है, मेजर एक्सिस का ए। और एक टर्म होती है, एक जो एलिप्स है, सेंट्रिसिटी, मैथ्स वाले आपको टीचर्स बताएंगे, सेंट्रिसिटी ई कांस्टेंट होता है। तो सेंट्रिसिटी के हिसाब से ये डिस्टेंस वेरी करता है, सेंट्रिसिटी छोटी होगी तो ये पास आ जाएगा ना तो ये दूर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस इनटू इसका डिस्टेंस इनटू ए इनटू ई होता है, ये फिक्स डिस्टेंस है। तो ई अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यू होती है ई की, तो ए इनटू ये डिस्टेंस वेरी करता रहता है। इलिप्स का साइज चेंज होता रहता है ना, इलिप्स बड़ा है, इलिप्स छोटा है, अलग अलग इलिप्स का ये डिस्टेंस वेरी करेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको सेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक। तो इसके अंदर एक तो ये वैल्यू आ गई। कभी भी प्लैनेट जब मूव करेगा इलिप्स के अंदर, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम क्या अप्लाई करेंगे,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एट पॉइंट पी एंड ए, पी और ए के बीच में, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू डिस्टेंस ऑफ ए, एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट ना, तो पहले ए पॉइंट के लिए निकालेंगे एम इंटू आर ऑफ ए इंटू वी ऑफ ए, और फिर पी पॉइंट पर एम इंटू वेलोसिटी ऑफ पी एंड आर ऑफ पी. फर्स्ट इक्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में सेंटर से नहीं, यही आपका एक्सेस है, तो इससे ये डिस्टेंस एक तो आर ए है, एक डिस्टेंस आर पी है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में अगर डिस्टेंस चेंज होगा, कम होगा, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी प्लैनेट की. तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक, फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरा हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन एट पी एंड ए, पी और ए के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन में, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सन का मास इंटू प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना इनके बीच में, आर ऑफ पी है, और काइनेटिक की वैल्यू कितनी? हाफ इंटू एम इंटू वी ऑफ पी का होल स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी आ गई पी पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर माइनस जी एम एम आर ऑफ ए प्लस हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी ऑफ ए का होल स्क्वायर. ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पी पॉइंट पर टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. तो यहां से प्लैनेट का मास तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा यहां से. ठीक, और जब जहां जहां आर ऑफ ए है, आर ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस ए ई, आर ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए प्लस ए ई. और सिमिलरली जहां आर ऑफ पी चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर होगा कितना, ए, ए में से क्या माइनस करेंगे, ए ई, तो ए माइनस ए ई. ठीक, आर ए और आर पी की वैल्यूज आ गई इसमें. मैथ्स में टर्म है, डिस्टेंस है, ई कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस ई के हिसाब से वेरी करता है, शेप के हिसाब से ई आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. वो मैथ्स में आपको सेंट्रिसिटी निकालनी भी सिखाते हैं कैसे निकलती है. ठीक, तो इस एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन को ठीक तरह करके लिखेंगे तो वी विल गेट वी ऑफ पी का स्क्वायर माइनस वी ऑफ ए का स्क्वायर इज टू इंटू जी ऑफ एम वन बाय आर पी माइनस वन बाय आर ए. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू आएगी, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं वी ऑफ पी का स्क्वायर माइनस वी ऑफ ए. हम यहां से निकाल सकते हैं वी ऑफ ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, वी पी आर पी डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए. इसको यहां पे पुट करेंगे वी पी आर पी आर ऑफ ए का होल स्क्वायर इज टू जी एम और इंटू कितना, वन बाय आर पी माइनस वन बाय आर ए. और ये भी समझ लें आर ऑफ पी और आर ऑफ ए का जो सम होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, टू ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस टू ए हो जाएगा इसका. तो जब आप ये आर पी और आर ए ये सब यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने पे v ऑफ p का सीधा आंसर लिख रहा हूं आफ्टर सॉल्विंग, यू विल गेट 2 जी एम आर ऑफ ए इंटू आर ऑफ p. तो ये सॉल्व करके आपके पास सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी p पॉइंट पे इसके इक्वल आएगी. इसके अंदर आर ए आर पी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी p पॉइंट पर आपके पास आएगी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय ए इंटू वन प्लस ई वन माइनस ई. तो फाइनल आंसर ये आएगा, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद करना है एलिप्स का कि वेलोसिटी पी पॉइंट पर क्या होगी, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला होगा जी एम बाई ए इंटू वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस सी. पर कैसे आया मैंने बता दिया आपको कैसे आया. तो अगर कोई बुक अगर एक्सेप्शनली एलिप्स यूज करती है और ये फॉर्मूला यूज करती है तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से ये फॉर्मूला आया हुआ है. और ऐसी वी ऑफ ए कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, अगर वी पी आ गया v ऑफ a की वैल्यू आएगी जी एम बाई ए वन माइनस ई वन प्लस ई. उल्टा कर दो इस रेशियो को तो उल्टा फॉर्मूला आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटीज की वैल्यूज आ जाएंगी. और जी से
तो इसमें टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट, कोई भी एक पॉइंट ले लो जहां मर्जी, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो एट पॉइंट पी ले लेते हैं। पी पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर ऑफ पी प्लस हाफ इंटू एम इंटू हाफ इंटू एम इंटू वी पी का स्क्वायर, ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आर पी की वी पी की, तो सीधा आंसर लिखें माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आंसर आएगा टू टाइम्स ए। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलिप्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, पर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर वो कहेगा कि इलिप्स में घूम रहा है कोई प्लैनेट और टोटल एनर्जी आपको ढूंढनी होगी या टोटल एनर्जी आपको चाहिए होगी, तो टोटल एनर्जी इसके इक्वल आएगी। जैसे मैं आपको, मुझे याद आया क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, आप ये नोट करें, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है टोटल एनर्जी का? क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जांपल, और ये किसी मेंस या नीट मुझे मालूम नहीं किस में, मतलब नॉर्मल लेवल एग्जामिनेशन में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, क्या कि एक सपोज करो प्लैनेट इलिप्स में घूम रहे सन, किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस था आर, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पे था पर कुछ भी था, क्योंकि आर कीप्स ऑन चेंजिंग, आर तो चेंज हो रहा है और हम तो पेरिजी अपोजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इसका डिस्टेंस आर है और सेंटर का डिस्टेंस ए है, मतलब टोटल डिस्टेंस मेजर एक्सिस का 2a है। तो मुझे यहाँ पता है कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी टोटल वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हर हालत में क्या रहेगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2a रहेगी। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालो, टोटल में से पोटेंशियल को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जी एम एम कॉमन 1 बाय आर माइनस 1 बाय 2a। और कई बार पूछा जाता है इसकी वेलोसिटी बताओ इस सिस्टम में क्या होगी, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो इलिप्स का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि प्लैनेट किसी भी पॉइंट पर होगा टोटल की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो पी और ए पे सेम है, पी और किसी इंस्टेंट पर भी सेम होगा। हम किसी इंस्टेंट को सॉल्व नहीं करते, फिर उसमें ज्यादा ज्योमेट्री चाहिए होगी, इलिप्स की ज्यादा चाहिए होगी, एंगल्स भी चाहिए होंगे फिर हमें, ठीक। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, सपोज देयर इज अ रिंग, ठीक, ये आपके पास एक रिंग है, हाफ रिंग है ये रिंग, क्योंकि रिंग के सेंटर पे तो ई जीरो होता है, सबको मालूम है ई हर तरफ से कैंसिल हो जाता है, रिंग के सेंटर पे ई जीरो है, तो मान लो ये एक रिंग है,
ठीक, सच दैट ये इसका सेंटर है। आपको मुझे यहां पर क्या बताना है, इस रिंग की वजह से यहां पर ई बताना है, और रिंग का जो मास है वो कितना गिवन है, एम गिवन है, और रिंग का जो रेडियस है वो आर है, वो आर है। ठीक, ये क्वेश्चन है, ई निकालना है।
हाँ बिल्कुल, दो एलिमेंट्स लेंगे। क्या बात है, बेसिकली क्या करना होता है, कितने भी सेमी सर्कल के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स भी करेंगे उसमें नॉर्मल डेरिवेशन मानी जाती हैं ये, उसके अंदर हम हमेशा स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसका, क्यों, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इस केस में, तो एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाएगा कुछ इस तरीके से, एक एलिमेंट यहाँ लेंगे, ये जो एलिमेंट है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया इसका मास कितना है, डी एम है, और लेट अस सपोज ये कितना एंगल बना रहा है, स्मॉल एंगल डी थीटा, सेंटर पे एंगल इस डी थीटा, ठीक, और लेट अस सपोज ये एलिमेंट मैंने कहां पर लिया, वर्टिकल के साथ एट एन एंगल ऑफ कितना, थीटा, तो जो एलिमेंट है वो मैंने थीटा एंगल पे लिया और मेकिंग एन एंगल ऑफ डी थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे यहां ई निकालना है तो इमेजिन करेंगे कितना मास पड़ा हुआ है, प्लस वन, ठीक, प्लस वन, और यह भी मालूम है कि वो छोटा मास की वजह से ई निकल रहा है, तो छोटा मास इस प्लस वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से जो ई आएगा, ई की जगह मैं क्या बोलूं, डी बोल दूं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, वो इस तरफ आएगा, ठीक, डी ई के क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा ऊपर की तरफ, कितना, डी ई कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट कहां होगा, इस तरफ होगा, कितना, डी ई साइन थीटा होगा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, और डी की वैल्यू भी देख लें, मान लो ये डिस्टेंस आर है रेडियस का, तो डी विल बी इक्वल टू जी इनटू स्मॉल मास डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यही ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला, तो डी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी आर स्क्वायर, मास की वैल्यू निकाल लें, देखो अगर ये डी थीटा है, ये वाला एंगल डी थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये लेंथ जो बनने वाली है वो किसके इक्वल बनेगी, आर इंटू डी थीटा, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, आर इज एंगल इंटू रेडियस, और इसका जो स्मॉल मास डीएम बनेगा विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, अब लेंथ कितना है सेमी सर्कल का, पाई आर, तो एम डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू कितना, इंटू इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, तो डीएम की वैल्यू अगर पुट करनी है तो एम डिवाइडेड बाय पाई इंटू क्या आएगा, डी थीटा, तो डीएम की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना, एम डिवाइडेड बाय पाई इनटू कितना, डी थीटा, ये स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक, और इसे अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले एक और काम करना पड़ेगा आपको, वो क्या, जो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड का कंपोनेंट एक आया वर्टिकल, एक आया हॉरिजॉन्टल, इस तरफ आया, आप ना ऐसे कई एलिमेंट्स लो, जैसे एक बिल्कुल सेम एलिमेंट अगर आप जितनी दूरी पे यहां लिया उतने एंगल पे एक और एलिमेंट नीचे लेके देखें, एक और एंगल, एक और एलिमेंट ले नीचे, मेकिंग एन एंगल ऑफ डी थीटा, तो मान लो ये वो एलिमेंट है और एंगल कितना है इसमें, थीटा, सेम चीज जो ऊपर है वही चीज नीचे, तो इसके अंदर अगेन ये एलिमेंट जो होगा वो इक्विडिस्टेंट है, सेम है, तो ये कितनी वैल्यू लगाएगा, डीई लगाएगा, डीई के फिर से दो कंपोनेंट्स होंगे, डीई कॉस थीटा और इस तरफ क्या होगा, डीई साइन थीटा, अब दो अगर आप सिमेट्रिकल एलिमेंट्स लेंगे तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या करते जाएंगे, कैंसल, अगर आप दो दो करके लेना स्टार्ट करें, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो सबके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल, और हर कोई एलिमेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहा है, इस तरफ, इसने भी इस तरफ किया, इसने भी इस तरफ किया, सारे एलिमेंट इस तरफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे नेट ई निकालना है, नेट ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डी ई साइन थीटा, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लें डी ई साइन थीटा, उसकी इंटीग्रेशन कर दें थ्रू आउट द रिंग, तो टोटल ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक, तो यहां से नेट ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू डी की वैल्यू आपके पास है जी एम डिवाइडेड बाय पाई इनटू कितना आर स्क्वायर इनटू कितना डी थीटा और इनटू कितना साइन थीटा और लिमिट एंगल की क्या लगेगी ये देखो जब ये एंगल थीटा इधर देख लो जब ये एंगल थीटा जीरो होगा तो कौन सा एलिमेंट आएगा ये वाला और जब ये वाला क्योंकि एलिमेंट तो समझाने के लिए लिया है एलिमेंट तो एक ही लेना है वैसे और जब एंगल 180 होगा तो ये एलिमेंट घूम के यहां पर आ जाएगा तो लिमिट पूरी रिंग के लिए क्या लगेगी जीरो से लेके पाई तक लगेगी
ठीक, तो इसके अंदर नेट जो वैल्यू आएगी जी एम डिवाइडेड बाय जी इंटू एम डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, जीरो से लेके कितना पाई तक, जी एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई तक, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा जीरो से लेके पाई तक, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो, कॉस पाई क्या होता है माइनस वन, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो टू जी एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो ई की नेट वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी। और डायरेक्शन में अगर लिखना हो तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला कितना है 2 जी एम बाय पाई आर स्क्वायर तो है ही है, और नेट वैल्यू का है सारी की सारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो पीछे अगर लिखना है तो माइनस आई कैप लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये इसका आंसर है। मैंने नहीं करवाया था ये कि सपोज ठीक, लेट अस सपोज आपके पास एक रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस आर, एंड देयर इज अ स्फेयर जिसका मास है 8m, ठीक, और रिंग का मास है m, रेडियस r, एंड इनके अगर सेंटर्स को मिलाया जाए सेंटर बाय सेंटर तो ये लाइन है, और ये जो डिस्टेंस गिवन है वो रूट थ्री आर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये डिस्टेंस रूट थ्री आर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंटर टू सेंटर का, दोनों का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस जो गिवन है वो रूट थ्री आर गिवन है, तो एक रिंग है और एक स्फीयर है, आपको निकालना है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन स्फेयर एंड रिंग, इज फोर्स निकालनी है, आंसर में मार्क आना चाहिए, तो अगर कर सकते हो तो करो, फोर्स की वैल्यू आ रही है रूट थ्री जी एम का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, ये फोर्स है इनके बीच में।
देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ये ठीक कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ऐसे निकालेंगे ना फोर्स, तो जीएमएम बाय आर स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, दोनों पॉइंट मास है ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे, हम ना रिंग रिंग की वजह से यहां पर ई निकाल लेते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू रिंग। इसको मान लेते हैं पॉइंट मास फेयर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और मान लेते हैं कि इसका मास कहां पर पड़ा हुआ है, यहां पे कितना, 8m। तो रिंग ने यहां पर क्या लगाया, ई लगाया, ठीक, ई लगाया। अब अगर रिंग का ई मुझे मालूम है और यहां पर मास मुझे मालूम है, तो अगर मुझे फोर्स निकालनी है स्फेयर के ऊपर, तो 8m को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई ड्यू टू रिंग। तो 8m जो मास है स्फेयर का, उसके ऊपर कितना ई एक्ट कर रहा है रिंग की वजह से, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला ई की फॉर्म में। तो 8m इंटू रिंग का फॉर्मूला देखो क्या होता है, जी इंटू मास ऑफ रिंग कितना है, एम जी एम। और रिंग के केस में, रिंग के केस में एक तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस होगा क्योंकि ये रूट थ्री आर है, तो रूट थ्री आर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, आर कितना आएगा, टू आर, ठीक, टू आर हो गया। रिंग के एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने, अगर ये रेडियस आर है और ये एक्स है, तो रिंग के, रिंग की वजह से ई का फॉर्मूला बोलो क्या था, यहां पर ई का फॉर्मूला था रिंग की वजह से जी मास ऑफ रिंग इंटू एक्स, ये डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होता था, रेस टू पावर, सॉरी, रेस टू पावर थ्री बाय टू, हाँ, अंडर रूट नहीं होता था, थ्री बाय टू होता था रिंग में, ठीक है, और एक्स भी नहीं होता था रादर, चेक करना एक मिनट, एक्स होता है इसमें, एक्स था, एक बार चेक करना, होगा होगा, एक्सिस का डिस्टेंस मैटर करता था, होगा होगा, इसमें एक्स होगा लीनियर, क्योंकि मुझे याद है रिंग में ना लीनियर वो होता था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता था एक्सिस से, चेक कर लो, यही फॉर्मूला था मेरे ख्याल से, लिखा होगा, ठीक, तो यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला छोड़ दो, यही फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जैसे इस केस में एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसमें, रूट थ्री आर, तो मेरा ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी इंटू मास ऑफ रिंग, एक्सिस से डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे, रूट थ्री आर, डिवाइडेड बाय इसका पाइथागोरस से जो जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेस टू पावर थ्री बाय टू, लेकिन यहां पर क्या है, ये डिस्टेंस टू आर, ये डिस्टेंस यहां पर कितना है, टू आर, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें अंडर रूट ऑफ, ऐसे कर लेते हैं चलो, अंडर रूट ऑफ थ्री आर का स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस कितना गिवन है, रूट थ्री आर गिवन है और ये आर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, रूट थ्री आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर जो भी हमने निकाला, लेकिन रेस टू पावर हाफ नहीं, रेस टू पावर थ्री बाई टू, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ई को ये किसकी वजह से आया, रिंग की वजह से, इस ई को उठा के यहां पर पुट कर दो, ई ड्यू टू रिंग में, जब पुट करोगे चेक कर लो, यही आंसर आएगा। सबसे आसान तरीका है, ई निकाल लो किसी भी बॉडी का और ई निकाल के उसको उससे मास से मल्टीप्लाई कर दो। ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर जो कोई भी बॉडी है वो चली जाती है और क्या होता है, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सुना होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से फिर वो वापस नहीं आती उसमें से, ठीक, ऐसे ही है, और ब्लैक होल बड़ा हो जाता है। तो अगर कोई, अब ऑपोजिट फिनोमेना में बिल्कुल ठीक है, मास स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो चुका है, लाइट की स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है, ये माना जाता है, अभी तो खैर रिसर्च चल रहा है, बट ये माना गया है कि वो इसलिए पार्टिकल बाहर नहीं आ पाता, अगर वो आने की कोशिश भी करे, क्योंकि मास एनर्जी इक्वलेंस में स्पीड ऑफ लाइट के साथ कन्वर्जन हुआ है। बाहर आने के लिए भी कम से कम कितनी स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट अटैच नहीं हो सकती किसी बॉडी की, तो इसलिए वो इतनी एनर्जी पोजेस नहीं करता कि स्पीड ऑफ लाइट के कॉरस्पॉन्डिंगली इतनी एनर्जी वापस बन जाए कि वो बाहर आ सके और एस्केप कर पाए। तो इस वजह से ब्लैक होल से कोई भी बॉडी बाहर आ नहीं पाती। Black hole.